यदि आपने मेरे घर के सामने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए होते तो आज मेरी सुबह की शादी नहीं हो पाती। नानू, बारात आ गई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बारात वापस नहीं जाएगी ना। आइए रे भाई, आइए, स्वागत है आपका। आप सबका स्वागत है, आइए। आइए कांता बहन, ऋषि कुमार का स्वागत आप कीजिए। ये है सुबह की माँ जैसी मासी कांता बहन। गोविंद काका, माँ है वहाँ मासी की क्या जरूरत, आप है ना सुबली की माँ और पिता भी, सब कुछ तो आप है, ये आपका हक है। ऋषि कुमार का स्वागत आप कीजिए। गोविंद भाई, जब माँ नहीं है तो फिर स्वागत आप ही कीजिए। हाँ सही तो कह रहे हैं ये लोग, अरे जब माँ बाप नहीं है तो ये विधि तुझे ही पूरी करनी चाहिए। चला जा जा, आज मेरे ऋषि की सास का रोल भी तू ही अदा करेगा। तो आओ ने वोनी माँ वर राजा ने पोखो। अब सब मेहमानों का स्वागत है। ये अधूरी रस्म में मजा नहीं आता हा? अरे इसकी नाक तो खींच। ना 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 ना। अरे क्या ना ना, हाँ हाँ ऐसी नाक खींच के जिंदगी भर तेरी सुबह को परेशान ना करे। चल चल बढ़ आगे। ए, 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 अरे चल ना। आइए आप सबका स्वागत है, आइए आइए, आओ भाई आओ, आइए पधारिए। हमारे नन्हे मुन्ने समझियो। आइए
अरे भाई शब्बत वगैरह देना इधर। ये भाई कोई कमी तो नहीं लग रही है ना? अरे नहीं मेरे दोस्त, ऊपर से तू तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है गोविंद। अरे किस कमी की तू बात कर रहा है? ये डेकोरेशन, हाँ, ये स्वागत, ये मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। हाँ रिश्तों में प्यार की कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ आपने कभी कमी रहने दी है जो आज मैं रहने दूँ? तब तो बारात भी आई हुई, फेरे भी शुरू होंगे, मुझे किसी भी हालत में वहां पहुंचना है। नमस्ते जीजा जी, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बोलो। आप हमारी शुभली को अच्छे से ध्यान रखोगे ना? हमारी शुभली को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आपको उसे खिलानी होगी। और जीजू नए कपड़े चूड़िया रिबन वो तो सब ठीक है, लेकिन आप हमारी शुभली की आंखों में एक भी आंसू तो नहीं आने दोगे ना जीजू? I'm sorry. मैं भूल गया था कि सारी दुनिया एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? हमें वचन नहीं देंगे? सुबह के भाइयों का ऑर्डर है तो मुझे हाँ तो कहनी पड़ेगी। डोंट वरी बच्चों, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी सुबह दीदी का बहुत 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 ध्यान रखूंगा। उसे आइसक्रीम, नए कपड़े, चूड़ियां, जो चाहिए वो सब दिलाऊंगा। उसका हर पल साथ निभाऊंगा, सुख में दुख में कभी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। और तुम तीनों की सुबह दीदी की आंख में मेरी वजह से कभी आंसू नहीं आएंगे। इट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू जीजा जी। जीजा जी अरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब विधि के लिए वर वधु के माता पिता आगे आइए। ये रसी कहाँ है? बकुल अबू ये रस्सी कहाँ चला गया? हाँ अभी तक तो यही थे, मैं देख कर आती हूँ। जाओ जल्दी से बुलाओ, विधि शुरू होने वाली है। जी ऐसे वक्त पर कहाँ चला गया वो? आ जाएगा, चलिए आई। सुनिए इस तरह। हाँ जाओ जाओ, भाभी बुला रही है, जाओ। रमेश भाई तो गए आज। अब क्या है? रमेश तुम्हें आइडिया है कि पापा अपने बेटे की शादी छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? धीरे बोलो इला, किसी ने सुन लिया ना तो कहीं वो घर तो नहीं चले गए?
गर्मी है यहाँ पर, एयर कंडीशनर भी नहीं है। आप यहाँ, वहाँ सब बाबूला कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुबह रंग रूप तौर तरीके पढ़ाई लिखाई किसी भी तरीके से हमारे ऋषि के लायक नहीं है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ऋषि सुबह को पसंद करता है। अब चले, विधि में सब इंतजार कर। नहीं आना है मुझे, अगर बैठना इतना ही जरूरी है तो बाबा पूछिए ना, उनको बोलो वो बैठ जाएंगे। असिक प्लीज। एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ऋषि ने क्या देख लिया इस लड़की में? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो इस शादी से? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। रसिक बेटा कहाँ था तू? अभी विधि शुरू होने वाली है। हाँ लेट हो रहा है, हम लोग विधि के लिए बैठ जाते हैं। स्वस्ते स्तुया विनाशाक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। नारदाद्या ऋषिगणा ये चान्ये च तपोधनाः भवन्तु यजमानस्य आशीर्वाद परायणः। चलिए अब विधि के लिए वर को मंडप में ले आए। सिंगल से डबल होने के लिए, मगर शादी के बाद मैं भूल मत जाना मेरे भाई। बहुत ही जल्द तेरा भी नंबर लगने वाला बच्चों। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अलेश्वर। यावद् भागी रति गंगा यावद् देवो जनार्दनः यावद् वेदः प्रवर्तन्ते तावत् त्वं विजयी भव। चलिए अब कन्या को मंडप के अंदर ले आइए। कन्या पधराओ सावधान। इला बेटा जाओ, सुबह को ले आओ। दो लोग अंतरपट की विधि के लिए आगे आ जाइए। कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नाशागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। ऋषि आ गई तुम्हारी सुबह।
ये क्या मजाक है? शुभली तू मेरा हाथ पकड़। नहीं शुभली तू मेरा हाथ पकड़। अरे तुम दोनों रहने दो, शुभली है ना खुद चलेगी, है ना शुभली? चलो। अरे सुबह धीरे धीरे चलो, ऋषि भाई कहीं भागे नहीं जा रहे। धीरे धीरे चलो। यार सुबह क्या लग रही है। हाँ बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। अब अंतरपट नीचे ले लीजिए। क्या मजाक है? मॉम डैड प्लीज आप लोग कुछ बोलिए ना। हाउ कैन यू इवन थिंक कि मैं ऐसे पसंद करूं? इनफैक्ट अगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी हूं ना तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ये क्या मजाक है? क्यों क्या हुआ ऋषि? तू ये लड़की यहां पे क्यों बैठी है? ये लड़की यहां पर क्यों बैठी है मतलब तू कहना क्या चाहता है? अरे ये लड़की मतलब ये लड़की। देखिए अगर यहां पर कोई मजाक चल रहा हो तो इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद। प्लीज तुम जाकर सुबह को लेकर आओ। सुबह को? अरे ऋषि यही तो सुबह है जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है और ऐसे वक्त कौन करेगा तेरे साथ मजाक? होता था जी।
दिस इज नॉट सुभा। और मैं कैसे कर सकता हूँ इससे शादी? क्योंकि तूने इसे पसंद किया। झूठ, एकदम झूठ। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इससे शादी करूंगा? मैंने इसे पसंद किया। नहीं, तू मजाक तो नहीं कर रहा है ऋषि? अगर तू मजाक कर रहा है तो ये मजाक करने का वक्त तो नहीं है। मजाक तो मेरे साथ हो रहा है। What the hell is going on here? Mom, Dad, please, आप लोग कुछ बोलिए ना। How can you even think it कि मैं ऐसे पसंद करूं? Am I crazy कि मैं इस गांव की गवार लड़की को पसंद करूं, इससे शादी करूं? नहीं, look at her and look at me. Compare करके बताइए, है इसका और मेरा कोई भी मेल है? नहीं, जरूर हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। माधवपुर गांव के गोविंद भाई मेहता की 9वीं फेल नातिन तुझसे कहती है कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। अरे सुबली को ऐसे लड़के से शादी करनी ही नहीं है कि जिसमें कोई इंसानियत ना हो, जो खुद के परिवार को प्यार ना करता। तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगा? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। जा। Thank you.